दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग लगातार पूछ रहे थे कि एसबीआई मेंस एग्जामिनेशन की बारे में कोई डेट या फिर कोई न्यूज़ आई है या फिर रिजल्ट कब आ सकता है, दोस्तों इसी के बारे में हमने एसबीआई का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है इस पर हमने क्वेश्चन पूछा और एसबीआई से हमने कुछ क्लैरिटी जानने की कोशिश की कि क्या हो सकता है आने वाले दिनों में। तो हमने ये उनको लिखा ऑफिशियल एसबीआई को अपने ट्विटर हैंडल से, हाय एसबीआई रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, इज देयर एनी न्यूज अबाउट द पोस्टपोनमेंट ऑफ द एसबीआई जूनियर एसोसिएट मेन्स एग्जामिनेशन ड्यू टू द करंट सिचुएशन, प्लीज अपडेट इट, स्टूडेंट्स नीड्स अपडेट अबाउट इट। ठीक है, तो उसके बाद में एसबीआई का ऑफिशियल रिप्लाई क्या आया वो आप देख सकते हैं। वी रिक्वेस्ट यू टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद द कैरियर पेज ऑन और वेबसाइट। ठीक है, ये उन्होंने अपना लिंक दे दिया, रिक्रूटमेंट रिलेटेड न्यूज़ और अपडेट वहीं पर आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी तक कोई भी क्लैरिटी इसके बारे में नहीं है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होने वाला है या नहीं होने वाला। अब दोस्तों मैं बता दूं कि इस सिनेरियो में आपको क्या करना है। देखो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, आप अभी तो अपना 100% दो, जो आपके हिसाब से जो इन्होंने रिक्रूटमेंट जब असाइन किया था, जब इन्होंने अपना नोटिफिकेशन निकाला तो उस समय जो मेंस एग्जामिनेशन की डेट दी, आप उस डेडलाइन को देते हुए अपनी प्रिपरेशन 100% तरीके से तैयार रखो। लेकिन जो पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी है इस एग्जाम के ऊपर वो डिपेंड होगी दोस्तों, जो लॉकडाउन है वो आप सभी को पता है कि 14 अप्रैल को एंड हो रहा है। ठीक है, ऐसा शेड्यूल्ड है कि 21 दिन का ये लॉकडाउन है। ओके, तो ये 14 अप्रैल को ऑफिशियली खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन जैसे कि ये जो COVID-19 है इसकी जो सिचुएशन के हिसाब से, जैसा कि ये ग्राफ भारत का ऊपर जा रहा है, ठीक है, अभी आपने देखा कि 1100 केसेस नियर अबाउट हो चुके हैं अगर हम बात करें 29 मार्च तक की। ठीक है, तो अगर ये जो पैंडमिक सिचुएशन इसी तरीके से आगे बढ़ती रहेगी तो कहीं ना कहीं पर ये लॉकडाउन और आगे बढ़ेगा और सरकार जो है इसके ऊपर कंट्रोल करेगी। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा, क्लियर कट एग्जामिनेशन 100% पोस्टपोन हो जाएगा। तो एसबीआई ऑफिशियल आपको अपडेट जरूर दे देंगे जो भी होगा, क्योंकि इनका स्लॉट बुक हो चुका होगा और इन्होंने एग्जामिनेशन की आपको एक मेंस की डेट दे रखी है। लेकिन आप सभी को पता है कि जो ये सिचुएशन चल रही है इसके कारण पूरी तरीके से कंट्री लॉकडाउन है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, 14 अप्रैल को डिसाइड करेगी कि क्या भाई इसको आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। ठीक है, अब दोस्तों जिस तरीके से मतलब भारत में जो ग्राफ ऊपर बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है, तो अभी हम इतना मान के चलें कि जिस दिन ये ग्राफ इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा मतलब ठीक है नीचे की ओर गिरना ये स्टार्ट होगा, तभी कहीं ना कहीं पर सरकार संज्ञान लेकर इस लॉकडाउन को हटाने के बारे में सोचेगी। लेकिन जिस तरीके से अभी भारत में देखा कि 29 मार्च तक अगर हम केसेस की बात करें तो कहीं ना कहीं पर 1000 केसेस से ऊपर हो चुके हैं। ठीक है, और लगातार ये जो केसेस बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो लॉकडाउन अगर इन द केस 14 अप्रैल को ख़त्म नहीं होता है, ओके, अगर इसकी मियाद आगे बढ़ा दी जाती है तो आपका एग्ज़ाम 100% कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी कोई भी ऑफिशियल अपडेट आपका नहीं आया है, एसबीआई की भी कोई क्लैरिटी इसके ऊपर नहीं है, चाहे आप कहीं से भी पूछो, ट्विटर पर भी उनका भाई एक रिप्लाई आया कि आप वेबसाइट पर अपडेट रहें, वेबसाइट पर देखते रहें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पर अगर ये गवर्नमेंट की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, कि ये लॉकडाउन कैसे चलने वाला है, ठीक है, तो जो भी होगा आपको ऑफिशियल एसबीआई ही अपडेट करेगा और कहीं ना कहीं पर पैरेलल हमें गवर्नमेंट के टच में भी रहना है। ठीक है, लेकिन मेरा जो आपके लिए सजेशन होगा दोस्तों, अभी अपना 100% दो और आप कोशिश करो कि जितना ज़्यादा मैक्सिमम कवर हो पाए वो आप कर लो। अगर आगे आपको रिलेशन मिल जाएगा तो आपके लिए जीए पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी, लेकिन अभी आप अपने आप को तैयार करो, डेली बेसिस पर मॉक टेस्ट बनाओ। और मैं आपको एक बात और रिकमेंड करूंगा कि घर पर जितनी ज़्यादा हो अपनी प्रैक्टिस अपनी रिविजन करते रहो और मॉक टेस्ट को बनाते रहो, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका है। आप ऑल द टाइम एक मॉक टेस्ट डेली बनाएं और उसका पूरा का पूरा जो सोल्यूशन है वो देखें और उसको एनालाइज करें। ठीक है, इससे दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो एसबीआई क्लर्क मेंस का जो मॉक नंबर 1 है वो फ्री है आप सभी के लिए। आप जरूर ओलिव बोर्ड के पोर्टल पर जाओगे, आपको वो मॉक टेस्ट मिल जाएगा 200 मार्क्स का, लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर है। ठीक है, तो आप उसके क्वेश्चंस को बनाओ और देखो कि कितने क्वेश्चंस आप बना पा रहे हैं, आपका कितना जो है तैयार है, किस तरीके से आप अपने आप को एग्जामिनेशन के हिसाब से देख पा रहे हैं। ठीक है, तो एक अच्छा मौका है अभी घर में बैठकर तैयारी करने का। डेली बेसिस पर मॉक एनालाइज करो, जितना ज़्यादा हो पाए आप अपनी रिवीजन के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। जो टॉपिक आपका स्ट्रांग नहीं है, जो वीक है, मीडियम है, आप उसको ज़्यादा टाइम दें ताकि वो भी आपका अच्छा हो जाए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, अगर हमारी रीजनिंग बहुत अच्छी है तो ऑब्वियसली रीजनिंग में हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं एग्जाम में, लेकिन अगर हमारा क्वांट मजबूत नहीं है तो अभी हमारे पास राइट टाइम पे राइट मौका है कि हम अभी उस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस करें जिसमें हम नंबर कम ला पा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर इंप्रूवमेंट कुछ परसेंटेज दोस्तों देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ, कोई भी अपडेट होगा मैं आपको ऑफिशियली जरूर बताऊंगा एसबीआई के एंड से। और अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अपने फ्रेंड सर्किल में भी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को जरूर रिकमेंड करें और इस यूट्यूब को अभी आप लाइक वीडियो को कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।